तो सोनी दीदी मुझे बोल रही थी मैं आपको एक जगह लेकर चलती हूँ, इनकी देवरानी है। मुझे आपका बड़ा प्यारा लगा, दिखाओ। ये देखिए कितना सुंदर पर्स है ये, पता। तो ये पर्स देखिए कितना प्यारा है। यहाँ पर बन रही है चाय। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह की चाय से आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है इंडियन मॉम स्टूडियो में। और सुबह का नाश्ता वैसे हो चुका है हम लोगों का। सुबह आज हम लोगों ने सिंपल ब्रेड बटर खाया था। रात सोनी दीदी के घर से आते आते काफी लेट हो गया था। ऐसे ही आए होंगे मम्मी, हम 12:30 तक खा रहे। काफी लेट हो गया था, बहुत देर बैठे, खूब सारा खाना वाना खाया, बातें चलती रही, तो फिर वो टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा लगा कल उनके घर जाके। इधर लग रही है मैदा और धूप, देखो मम्मी आपके इस पर कितनी अच्छी आ रही है। इसमें आती जाड़ो में आती, गर्मियों में नहीं आती। वो गर्मियों में नहीं आती बिल्कुल। अच्छा ना, सर्दियों में आती है। और यहाँ पे मम्मी ने पूरा मावा वगैरह खोया जो होता है ना उसे भून के रखा था और उसमें सारी मेवा डाली है, क्योंकि आज घर में बन रही है गुजिया। आप लोग सोचोगे होली तो अभी इतने दिन बाद है, गुजिया इतनी जल्दी क्यों बना रहे हो? तो हुआ ये है कि कल रुद्रांश का आया था मम्मी के पास कॉल कि नानी मुझे आपके हाथ की गुजिया खानी है। तो मम्मी ने बोला तुरंत मंगाया मावा और फटाफट जो है मम्मी ने रात में भून के रख दिया था। अब सुबह गुजिया बनेंगी इसकी, ये रुद्रांश के लिए जाएंगी गुजिया, उसकी डिमांड आई है वहाँ से। उसको आपके हाथ की गुजिया बहुत पसंद है ना मम्मी? हाँ बहुत पसंद है। हाँ तभी उसने कॉल करके बोला कि मामी गई हुई है ना अभी, तो ले भी आएंगी, क्योंकि फिर इधर उधर इतनी दूर आना जाना बार बार हो नहीं पाता ना इस वजह से। तो अब ये गुजिया उसके लिए बन के जाएंगी। मम्मी ने गुजियों का आटा इतना सॉफ्ट लगाया था कि गुजिया भी बहुत सॉफ्ट बनी थी और बिल्कुल पतला बेला था लोई को। और आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी गुजिया बनके तैयार हो गई थी। गुजिया बनते हुए देखकर ना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि होली आ चुकी है ऑलरेडी और हम लोग होली की प्रिपरेशन कर रहे हैं। घर में ना ऐसी वाइब्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो फेस्टिवल से पहले हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ना चीज़ों की, उसमें मज़ा ही आ जाता है। होली पर किसी के घर कुछ बने ना बने, गुजिया तो हर किसी के घर पर बनती है। मम्मी पापा को भी ना अपना घर साफ रखना पसंद है हमारी तरह। घर पुराना ज़रूर है मम्मी पापा का, लेकिन जो घर है ना वो पूरा साफ रखते हैं मम्मी पापा। और किचन भी आप देख सकते हो पूरी नीट एंड क्लीन, एकदम ऑर्गेनाइज मिलती है मम्मी के घर की। और किचन में कुकिंग करते करते मैं और मम्मी ढेर सारी बातें करते हैं हमेशा से। मम्मी अपनी बताती है, मैं अपनी बताती हूँ, तो इस तरीके से हमारी बातें चलती चली जाती हैं और काम होता चला जाता है। कब के खड़े हुए थे हम, सुबह से लग गए थे गुजिया बनाने में, टाइम का लेकिन बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि बातें करते करते हम लोगों ने कब इतनी सारी गुजिया बना ली। और हम लोगों ने सुलाई भी नहीं थी गुजिया, हम डायरेक्ट मम्मी बेल रही थी, भर रही थी और मैं यहाँ पर सेकती चली जा रही थी। मम्मी के पास ना काफी सारी कढ़ाई है, लेकिन फिर भी डीप फ्राइंग का काम मम्मी इसी कढ़ाई में करना पसंद करती है, क्योंकि ये कढ़ाई उन्होंने इसी पर्पज से रख रखी है। थोड़ी बहुत काली पड़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी ये काफी पुरानी कढ़ाई है और इसमें काफी टाइम से वो फ्राइंग का काम करती आ रही है। और होता है जिस कढ़ाई में आपका हाथ चलता है तो आप उसी को पसंद करते हो। ये 1 किलो मैदा थी और 1 किलो ही हमारा जो इसका मटेरियल था ना अंदर का वो तैयार हुआ था। आधा किलो के करीब इसमें मावा था, बाकी इसमें बूरा थी, फिर मेवाएं थी, तो ये सब मिला के इस तरीके से तैयार करी थी गुजिया। सबसे पहली गुंजिया हमने लगाई है भगवान जी को भोग में, यहाँ पर लगा दी है भोग में। और अब ये लोग टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी बनी है। ये लीजिए, पकड़िए गुंजिया, गुंजिया पकड़ो फटाफट। अच्छा, वाह वाह, ताजी गुंजिया बनी हुई। ताजी गुजियों का स्वाद ही अलग होता है। कैसी लग रही है? बढ़िया, शुगर भी कम है और बहुत अच्छी बनी। चलो टेस्ट कर ली दोनों ने। मुलायम बनी है। ये बेल रहे हैं, इधर बन रहा है काशीफल, काशीफल बन रहा है और मटर आलू की सब्जी ऑलरेडी बन रही है। ये देखिए कितनी सारी गुजिया बन रही। तो सोनी दीदी आपको कैसी लगी गुजिया?
बहुत टेस्टी, मैं चारों खा ली। अच्छा तो अभी ना सोनी दीदी आई हैं और बच्चे नहीं लेकर आई, लेकिन आप? हाँ वो एग्जाम चल रहा है ना, तो ट्यूशन मैम एक्चुअली आ गई थी उनकी पढ़ाने के लिए। अच्छा तो बस अब वो पढ़ रहे हैं और मैं आ गई इसी मौके का फायदा उठा के। तो सोनी दीदी मुझे बोल रही थी मैं आपको एक जगह लेकर चलती हूँ, इनकी देवरानी है मतलब हाँ। चाची जी की बहू है आपकी? हाँ। चाची सास की? हाँ, हाँ। तो वो ना इंस्टा पेज भी चलाती है वैसे अपना, अगर हो सका तो मैं मेंशन कर दूंगी आप लोगों के साथ। हाँ। तो वो कुछ चीजें सेल आउट करती है इंस्टा पेज के थ्रू, और मैं तो खैर यहाँ पर आई हुई हूँ तो उनके घर ही चले घर ही जाके देख लूंगी, मुझे इंस्टा पेज के थ्रू खरीदने की जरूरत नहीं है। तो कुछ अच्छे अच्छे आइटम्स रहते हैं, अच्छे होते हैं, क्या रहते हैं और पर्सेस हैं जैसे हेयर एक्सेसरीज हैं, मैं तो निष्का के लिए उसी से लेती हूँ। एक पर्स मुझे आपका बड़ा प्यारा लगा। हाँ। दिखाओ, ये देखिए कितना सुंदर पर्स है, ये पता है दुपट्टा वाला जो कपड़ा होता है शायद उसका उस टाइप का ही है। हाँ। काफी मुझे बहुत टाइम से पसंद आया था पर्स ये। ये कहाँ से खरीदा था आपने ये पर्स? ये मैंने इंस्टा पेज से ही लिया था किसी। अच्छा। और मतलब अच्छा, मतलब बहुत टाइम से मुझे ये पर्स चाहिए था। कितने का पड़ा आपको ये? मेरे को 1200 का पड़ा था। वैसे तो आप बताए थे थोड़ा वैसे कॉस्टली था तब, ये तब ज्यादा मतलब पेजेस थे नहीं उसका, इतना होता ही पेज था, नाम मुझे ऐसा याद नहीं है। और उसके बाद फिर जब मैंने 2-3 पेजेस पे ये पर्स देखे तो जहाँ पे मुझे सबसे कम अफोर्डेबल रेंज में मिल रहा था बड़ा पसंद आया, मैंने कहा मुझे अच्छा आया ये, मुझे भेजना इसका पेज का लिंक। हाँ पक्का। तो हम लोग पहुंच गए हैं सोनी दीदी की देवरानी के घर। हाँ। क्या नाम है आपका? रितिका। और आपके पेज का क्या नाम है? वॉकी एक्सेसरीज। जो नाम है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। हाँ। सबके लिए दोबारा से बोलेंगे आप? डकवर्की एक्सेसरीज। ओके, और फोन नंबर भी है कुछ वहाँ पर? हाँ जी। तो फोन नंबर भी बता दीजिए। ओके, 9870-7964-21। तो आप इन पर बिलीव कर सकते हो क्योंकि देखो मेरे थ्रू है, सोनी दीदी की देवरानी है। तो अगर आपको कुछ पसंद आ रहा हो तो ये सब कुछ चीजें आपको इनके इंस्टा पेज पर मिल जाएंगी। बहुत सुंदर सुंदर पर्स है, आप कुछ दिखाइए अपने अच्छे पर्सेस। तो ये पर्स देखिए कितना प्यारा है, कुछ प्राइस का लमसम बता दीजिए कि किसने से स्टार्ट है और कब तक कितने तक हो जाएंगे? मेरे पास पर्सेस जो आपको स्टार्ट हो जाएंगे वो 250 की रेंज से स्टार्ट होके टिल 1100 तक होंगे। अच्छा, ये जो पर्सेज है ये ऑलमोस्ट 700-800 की रेंज वाले हैं। अच्छा। जो मैं अभी आपको शो कर रही हूँ। अच्छा, एक ये है, सबके अंदर आपको लॉन्ग स्लिंग मिल जाएगी। अच्छा। काफी स्पेशियस होंगे और जिप तो बहुत सारी है, मैंने खुद अभी देखे काफी सारे कंपार्टमेंट है इसमें। हाँ। ये देखिए, और ये वाला पीस तो सोनी दीदी के पास भी है। इसमें का ब्लैक भाभी के पास है। हाँ। और इसमें के कई सारे पीसेस थे जो सोल्ड आउट हो गए हैं। ये हैंड बैग में है नया पूरा, ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, ये मैं अपने लिए लेने वाली हूँ। इसके अंदर आपको लॉन्ग बेल्ट भी मिलेगी। अच्छा। और एक डिटैचेबल पाउच भी होगा। ओके ओके, जिसको आप एज अ नॉर्मल पाउच भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी दिखाई, ये वाला इनका बहुत डिमांड में रहता है जैसे आता है। इसका तो मेरा एक भी पीस नहीं बचता क्योंकि इसके साथ ये है कि इसमें डबल स्लिंग है। अच्छा। एक आपको शोल्डर स्लिंग मिलेगी। अच्छा। एक आपको लॉन्ग बेल्ट मिलेगी, दो बेल्ट है इसके। और इसका प्राइस क्या पड़ेगा? ये वही 750 की रेंज में, सारे 750 वाले। 750-800, ये मोस्टली 600-800। आप कैश ऑन डिलीवरी रखते हो क्या? कैश ऑन डिलीवरी नहीं है अभी, क्योंकि रिसेंटली ही स्टार्ट किया है पेज। अच्छा अच्छा, तो अभी कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। ओके ओके, लेकिन ट्रस्टेबल है क्योंकि हमारी जान पहचान है। हाँ, बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन है, काफी सारे दिखाए इन्होंने। लॉक मैकेनिज्म आपको बहुत प्यारा लगेगा। हाँ। इसमें भी सब में लॉन्ग बेल्ट आपको मिलेगी, इसमें भी दो बेल्ट्स मिलेंगी आपको, एक शोल्डर और एक लॉन्ग स्लीव। ये अच्छी चीज है कि देखो दो दो तरह की बेल्ट मिल रही है आपको, और क्या चाहिए जितना हमको चाहिए उस हिसाब से। एक ये आजकल बहुत इन है शोल्डर बैग है ये प्रॉपर। अच्छा, आप इसको एज अ हैंड में कैरी कर सकते हैं, शोल्डर में कैरी कर सकते हैं। ये आजकल ट्रेंड में रहता है, बहुत ट्रेंडी बैग है ये। ये डबल कलर में है। हाँ। इसका लॉक मैकेनिज्म काफी अच्छा, बहुत अच्छा स्पेस है। हाँ जी, ये फिर बीच में अलग चेन है, पूरा स्पेशियस बैग है। गुड, मेरा नाम लेकर आपके पास मैसेज करता है तो आप उसे कुछ डिस्काउंट दो? आई गिव 10% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। मेरे पास हेयर एक्सेसरीज भी हैं बैग्स के अलावा। अच्छा, हेयर एक्सेसरीज में क्लचर्स, हेयर बोज, हेयर बैंड्स, एवरीथिंग। उनके पेज पर जाओगे तो दिख जाएगा। हाँ जी, सब कुछ अपलोडेड है। ठीक है, इंडियन मॉम स्टूडियो के नाम से कोई आए तो 10% डिस्काउंट भी देंगे। तो ये है इनका पेज
और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। अच्छा ये वाला पर्स डाल तो रखा है इन्होंने, हाँ सारे डाल रखे हैं। हेयर एक्सेसरीज भी बहुत अच्छी अच्छी है। कंटेनर जो है बदल चुका है, अब मैं प्रशांत के साथ हूँ। मीन सोनी दीदी चली गई घर पर। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ पीतल के बर्तन, ये देखिए दो कलश लिए मैंने। प्रशांत आ गए थे मार्केट में और सोनी दीदी चली गई थी घर, तो मैं अब प्रशांत के साथ हूँ इस टाइम। और हम लोग देख रहे थे कुछ बर्तन। मुरादाबाद ना पीतल नगरी है, इसी नाम से फेमस भी है दुनिया भर में। यहाँ से एक्सपोर्ट होता है सामान और यहाँ पर पीतल की चीजें बहुत बढ़िया मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पर कढ़ाई, करचली, पीतल की और प्लेट्स वगैरह ये सब देख रही थी। कुछ कुछ सामान मैंने यहाँ से खरीदा भी है और भी कुछ चीजें खरीदी थी, वो मैं बाद में आपको हॉल वीडियो में शेयर कर दूंगी। इसके बाद मैं आ गई थी मेट्रो में। ये मेट्रो शूज और स्लीपर्स की ही शॉप है, काफी अच्छी अच्छी फैंसी स्लीपर्स मिल जाती, काफी बड़ी शॉप है मुरादाबाद में। और यहाँ पर बस पसंद कर लो आप, इतनी सारी चॉइस है ना। और खासतौर से फेस्टिवल, वेडिंग वगैरह में, पार्टी में पहनने की स्लीपर्स तो एक से एक बढ़कर है। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। हॉल वीडियो में बाद में आपके साथ शेयर कर दूंगी। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।